नीट यूजी एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली टल गई है। अब 18 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में नीट पेपर लीक केस में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। वही केंद्र सरकार और एनटीए ने भी कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। वही हलफनामे में एनटीए का कहना है कि जो पेपर लीक का जो वीडियो टेलीग्राम पर वायरल हुआ था वो फेक है। वही केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में आईआईटी मद्रास की हाई लेवल जांच रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं है, इसलिए री एग्जाम नहीं करवाना चाहते। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे जो आज फैसला आने वाला था, सुप्रीम कोर्ट अब इस पे फैसला जो है 18 जुलाई को सुनाएगी। इस वक्त मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद है जो नीट का एग्जाम दिए, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष दुबे है। मैं चाहता हूँ कि री नीट हो, क्योंकि अगर आप जो बच्चे चीटिंग करके हमसे आगे निकल गए हैं उनको कैसे एक्सक्लूड करेंगे? या तो कोई तरीका हो जिससे 20-25 हज़ार जो बच्चे आगे निकले हैं उनको सबको निकाला जाए, जो बच्चे पेपर लीक के थ्रू निकले हैं, जो बच्चे ओएमआर फिलिंग के थ्रू निकले, जो इंटरनल सेटिंग्स के थ्रू निकले हैं, जिनकी जगह बच्चे बैठाए भी गए कुछ बच्चों की जगह, तो सारे बच्चों को निकाला जाए तो ही जस्टिस होगा, नहीं तो फिर अनजस्टिस रह जाएगा। तो फिर हमारा दोबारा से पेपर एक टाइट सिक्योरिटी के साथ कराया जा रहा है, तो फिर अगली बार पेपर लीक होने के चांस हो जाएंगे। लेकिन री एग्जाम को भी लेके कुछ छात्र जो इसका विरोध कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखेंगे आप? जो री एग्जाम का विरोध कर रहे हैं वो सोचते हैं कि अपनी जो है अगर 670 नंबर आ गए तो अपन को कॉलेज में जाएगा, लेकिन यार आपकी रैंक कितनी कम आ रही है, 620 के बराबर। अगर आप दोबारा पेपर देंगे, अगर आपके 620 भी नंबर आएंगे तो भी तो उतनी रैंक आएगी। ये रैंक बेस्ड पेपर है ना कि मार्क्स बेस्ड। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ भी रहे हैं तो अगली बार अगर कम भी आएंगे तो भी रैंक तो अच्छी आएगी ना, अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपको कॉलेज चाहिए या फिर नंबर दिखाने हैं? नंबर पूरे आ जाएं और पता चले कॉलेज नहीं मिला तो क्या फायदा उस नंबर का? 18 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट पे फैसला सुनाएगा तो क्या लगता है कि फैसला स्टूडेंट के पक्ष में होगा? स्टूडेंट के पक्ष में ही होना चाहिए जहाँ तक, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोचेगी कि हाँ स्टूडेंट के पक्ष में है, क्योंकि सीजीआई सर ने बोला था कि अगर 0.01% भी कमी होगी तो अपन लोग दोबारा से पेपर कराएंगे। अगर अपन लोग बेनिफिशियर और जो नॉर्मल लोग उनको सेग्रीगेट नहीं कर पाते तो अपन को दोबारा पेपर कराने का ही एक मौका बचता है, तो शायद दोबारा पेपर होगा अगर सेग्रीगेट नहीं हो पाते तो। जैसे कि आज इस पे फैसला आने वाला था लेकिन कोर्ट ने इसे एक हफ्ते बाद फैसला सुनाने को कहा, अगर 18 जुलाई को भी फैसला टाल दिया जाता है तो फिर क्या कुछ रहेगा? फिर हमारी बिल्कुल ही आज टूट जाएगी सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि अगर इस तरीके से हमें तारीख पे तारीख देती रहेंगे तो फिर ये तो मेरे साथ जस्टिस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर एक तरह से कहा जाए तो स्टूडेंट की एक आखिरी उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट ही बची है, वो 18 जुलाई तक ही फैसले पे ही टिकी हुई है। बिल्कुल हाँ, अगर 18 जुलाई को फैसला देना चाहिए और 18 जुलाई को हमारे हक में फैसला देना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस की कमी पड़ रही है तो आप ढूंढिए, क्योंकि हम लोग नहीं ढूंढ सकते सारे एविडेंस को। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जाना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नीट और नेट के एग्जाम को परीक्षा में जो धांधली को लेके स्टूडेंट जो लगातार देश भर में विरोध कर रहे हैं, आज जो उस पर सुप्रीम कोर्ट पे फैसला आने वाला था वो अभी एक हफ्ते बाद आएगा। यहाँ पे कुछ और छात्र हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रत्युष कुमार है, मेरे 618 नंबर आए हैं। मुझे 23 अप्रैल को एक लेडी का फ़ोन आया था, निधि नाम की लेडी का। उन्होंने कहा था कि उनका सेक्टर नोएडा सेक्टर 94 में है उनका ऑफिस, कि वो मुझे 5 मई को एग्ज़ाम वाले दिन नीट में स्कोर इंक्रीज़ करवाने में मदद करवा देंगी, कि मैं उनके यहाँ उनके ऑफिस में आ जाऊँ और उनके सर से बात कर लूँ, कि ये सारी बातें थोड़ी इंटरनल होती हैं। तो उन्होंने जो मुझे कॉल किया था उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, इसलिए मैं तिमारपुर पुलिस स्टेशन में इस बात की FIR लिखवाने गया था कि मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहा है कि मुझसे नीट में स्कोर इंक्रीज़ करवाने की बात की जा रही है। तो तिमारपुर पुलिस स्टेशन में मैं गया तो वहाँ पर मेरी FIR पुलिस के पास गए तो उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाए या फिर क्या कुछ आपसे उनसे पुलिस से बात हुई है या FIR आपका दर्ज किया गया वो सब दिखाइए। मैं यहाँ तिमारपुर पुलिस स्टेशन में गया तो मैंने कंप्लेन दी तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं की इस पे, उन्होंने केवल कंप्लेन पे अपना थप्पा लगा दिया और मुझे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी नहीं दिया। तो क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसलिए मैं इसमें FIR जल्दी से जल्दी दर्ज करवाना चाह रहा था जिससे कि इन्वेस्टिगेशन हो और मामला आगे बढ़े, इसलिए मैं ACP तिमारपुर सब डिवीज़न के पास भी गया, उन्होंने भी मेरी FIR लिखवाने में कोई मदद नहीं की। तो उसके बाद मैं DCP नॉर्थ दिल्ली के पास गया, उन्होंने भी मेरी FIR लिखवाने में कोई मदद नहीं की, और बल्कि DCP नॉर्थ दिल्ली ने तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया, उन्हीं के शब्द में बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन देता हूँ कि आप FIR मत लिखवाओ क्योंकि इस मामले में पहले से CBI जांच कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि CBI जो जांच कर रही है उनका दायरा केवल बिहार और झारखंड तक सीमित है, जब तक मैं यहाँ पे FIR नहीं करवाऊँगा ये नोएडा वाला गैंग जो जिसने मेरे को फ़ोन किया था इनकी बात लाइमलाइट में नहीं आएगी, तब तक CBI को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर भी उन्हें जाँच करनी है। इसलिए मैं यहाँ पर FIR लिखवाने आया था तिमारपुर पुलिस स्टेशन में जहाँ पर मैं रहता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी FIR नहीं लिखी। SHO तिमारपुर महोदय से मैं मिला था तो वो कह रहे थे कि मैंने जो उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग दिया और जो मैंने उन्हें फ़ोन नंबर दिया है वो SHO तिमारपुर इस कॉल रिकॉर्डिंग और फोन नंबर की क्रेडिबिलिटी की जांच
जांच करेंगे, एक इंक्वायरी करेंगे। जबकि ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो कंप्लेनेंट के द्वारा दी गई प्राथमिक जानकारी है उसकी क्रेडिबिलिटी और रीजनेबलनेस की प्राइमरी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए बिना FIR दर्ज किए, बल्कि प्राइमरी इंक्वायरी इस बात के लिए की जाती है कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब कॉग्निजेंस लिए बैठा है कि तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब भी वो प्राइमरी इंक्वायरी न जाने किस बात की कर रहे हैं। आपने नीट का पेपर दिया है, आपके कितने मार्क्स आए थे, री एग्जाम करने की भी स्टूडेंट लगातार जो मांग कर रहे हैं उसको लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखेंगे? मेरे 618 मार्क्स पर 61,000 रैंक है, जबकि पिछले साल 574 नंबर पे 46,000 रैंक थी, तो मैंने 44 नंबर का गेन किया, उसके बाद में मेरी रैंक 15,000 भाग गई है। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरा तो एकदम ऐसे पागल बना दिया जा रहा है ना, और मैं कहाँ से एडमिशन लूँगा? मेरी रैंक 61,000 है, बीच में 40,000 बच्चे के करीब बिना मेरिट वाले घुस गए हैं। अगर सरकार के सामने कॉस्ट एक समस्या आ जा रही है तो केवल ऊपर से 25% कैंडिडेट्स का ही आप फिर से रीनेट एग्जाम कर लो, क्योंकि वही 25% ऊपर से जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के पास कोई ना कोई संभावना बनती है कि उनका कोई एडमिशन हो जाएगा MBBS, BAMS, BHMS या BUMS में। तो केवल उन्हीं 25% कैंडिडेट्स का अगर फिर से सरकार अगर रीनेट करवाती है तो कॉस्ट भी सीधे घट करके 25% पे आ जाएगा और कॉस्ट कोई समस्या ही नहीं रहेगी। क्या लगता है 18 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला इस पर सुनाएगी नीट और नेट पे, तो क्या स्टूडेंट के पक्ष में ये फैसला आएगा? हाँ, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत अच्छे होते हैं और वो सरकार की बदमाशियों को अच्छे से जान रहे होते हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा ही निर्णय देंगे जो हम छात्रों के और न्याय के पक्ष में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के, आप हमारे साथ कुछ बात करने के, कुछ छात्र मौजूद हैं जिनसे हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नीट को क्या कुछ उनको उम्मीद है उसको लेकर बात करी। MKN न्यूज़ के लिए दिल्ली से शुभ सेठ।